फिल्म ने आपके भाई ने शर्ट उतारी है, वो जबरदस्त। अब तो फिल्म कुछ लोग लाजमी देखेंगे, तो मैं तो हाथ भी यहाँ से ले जाता हूँ। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शेख कासिम, वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ दिल पे मत लेना। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ये वो गेस्ट हैं, ठीक है, और इनका नाम ये खुद ही बताएंगे। जी मेरा नाम अहमद हसन है। अहमद हसन है इनका नाम। आपको लग रहा होगा मैं इनका नाम भूल गया हूँ, नहीं, मुझे इनका नाम पता ही नहीं था। इससे बढ़ के मेरी खुशकिस्मत यार क्या हो सकती है कि हाँ मैं शेख हाय कासिम के हमें मेहमान आया हूँ। जी नाम कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो शक्ल से पहचाने जाते हैं, आप शक्ल से पहचाने जाते हैं, नाम से नहीं। मेरे कान उतरे में मैं शक्ल से नहीं पहचाना जाता, मैं क्यों नहीं पहचाना जाता? आप शक्ल से ही पहचाने जाते हैं। अच्छा, ये तो देखिए कासिम की बातों पे गौर करें। हाँ। कासिम हमारे मुल्क का एक असासा है। आपकी शक्ल बहुत मशहूर है, आपकी शक्ल जब भी मैं किसी को दिखाता हूँ ना, तो वो ना या तो हंसता है या रोता है। शुक्र है जुतियां ने मार दा कासिम, वरना लोगों के जितने मैंने उधार देने वो सब के कपड़े उतार के ले जाए। हो सकता है, हो सकता है। मुझे बता आपने बनियान क्यों पहनी हुई है? रेटिंग के लिए। मैंने कल भी नोट किया था आपने बनियानी पहनी, मगर वो बिल्कुल स्वैट बनियान थी। गंदे बच्चे, तो मेरी बनियानों के अंदर क्यों नजरें घुमा रहे हो? तो मेरे चेहरे पे देखकर क्यों नहीं बात करते? कितना अजीब लगे कि मैं कासिम से बात करूं, मैं कह रहा हूं और कासिम क्या हाल है, क्या कर रहे हो? ये देखिए हाल देखिए कासिम साहब का। बनियानी के पत्ते आप शर्ट क्यों नहीं पहनते? शेख तू है तो क्या मेनू रहा है? तू है शेख, तू है और बनियानों के तू मुझे ताने दे रहा है। कम कपड़े पहनने वाले शेख क्यों? वजह क्या, वजह क्या, ये ऐसी चीजें क्यों पहन यार? ये रेटिंग के लिए देख। अच्छा आज मेरा दिखाना चाहते कि आपकी ना हल्की फुल्की बॉडी बनी है, हल्की फुल्की नहीं है, काफी ज्यादा है। इधर फुल्की रखी हुई है, इधर मैंने हल्की रखी हुई है। ये आपने कैसे बना ली इतनी? ये मैंने इमरजेंसी के लिए रखी हुई है, जब कहीं ज़हन घूम जाए तो मैं फिर प्यार करते करते फिर पिटाई शुरू कर देता। पहले नहीं थे ये आपके? पहले नहीं, नहीं मुझे बताइए, जब आप इतने बॉडी बिल्डर, इतने स्मार्ट, इतने गुड लुकिंग, डॉलर का रेट, तो मुझे बताएं ये समी की जगह आपको क्यों नहीं ले ली? समी के तो भाई मैं धूल के बराबर नहीं। समी की नहीं ये बॉडी, मैंने पूछा। बॉडी नहीं चलती इसमें, इमोशंस चलते हैं, एक्टिंग चलता है, ड्रामा चलती है, इंटेंसिटी चलती है। समय को तो नहीं आप बीट कर सकते हैं। बॉडी भी होती है कुछ, और अच्छे एक्टरों की बॉडी का कोई नहीं। ये हम जैसे जो हल्के फुल्के नए नए अदाकार होते हैं ये इस तरह के सहारे लेते हैं, जो अच्छे बड़े मयारी एक्टर्स हैं। समी खान हो गए, 10-15 साल से काम करें, ये इनकी तो अदाकारी में इतना वजन है और इतना इमोशनली तौर पर वो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि वो उनकी बॉडी पर नजर ही नहीं जाती किसी, उनकी अदाकारी से ही नहीं बाहर। बॉडी वैसे मेरी भी बनी हुई है मगर कहीं और बन गई है। तो बॉडी तो तवे लगे हुए। जी 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 जी, वहाँ बन गई। तो ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए आपको एक तो बोतलें छोड़नी पड़ेंगी, चावल छोड़ना पड़ेगा, रोटी छोड़नी पड़ेगी, नान छोड़नी पड़ेगी और सब्जियाँ खानी पड़ेंगी। बोतलें कौन सी छोड़नी? बोतलें ये जो कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा 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 अच्छा, मैं उनको तोड़ के फेंक दूँगा। किसी और की बात करें? नहीं, ठीक है ठीक है। आपको हमेशा या तो कॉमेडी रोल में देखा है, या फिर कॉमिक रोल में देखा है, या फिर वो ना कौन सा होता है मजाया रोल में देखा है, और किसी रोल में क्यों नहीं देखा? देखिए कॉमेडी रोल एक टोटली अलग चीज़ है, कॉमिक रोल्स टोटली अलग, मजाही, ये तीनों अलग अलग जो चीज़ें जो कि एक ही हैं अल्लाह के बंदे, वो इसलिए क्योंकि मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है कि अगर कोई प्रोग्राम देख रहा हो और हमें मौका मिले कि उसको हंसाने का, खुश करने का, तो वो खुश हो जाए अपने घर बैठे। तो अगर कोई हंसना रहा हो तो आपको थोड़ा फील नहीं होता कि कोई मसला है? यार एक तो सबसे पहले खुद थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है ना, क्योंकि आदमी अंदर से हल्का सा कच्चा हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर कोई ना हंस रहा हो तो फिर परेशानी भी होती है कि यार सब खैरियत तो है, कि अगर तू हंस नहीं रहा तो आखिर ऐसी किस परेशानी में तू? वो आपको थोड़ा फील होता होगा कुछ चीज़ आपके लिए मजाया होगी मगर अगले के लिए नहीं होगी। हाँ, तो आपको नहीं होता यार या तो मैं पागल हूँ या फिर अगला पागल है? वो तो फिर शर्मिंदगी का आला मुकाम है ना, क्योंकि आपका जो हिस्से मजा है इट मीन्स कि वो इस कदर पुर असर नहीं है कि अगले पर आपसे मेरी वैसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप ना असल में थोड़े से ना वैसे रिटार्डेड टाइप है जिस तरह के आपके रोल्स होते हैं, तो आप तो नॉर्मल इंसान निकले। तू मेनू कह रहे हैं? मेनू कह रहे हो भाई साहब? लेकिन ये है कि हाँ वो कैरेक्टर्स है ना, वो तो हम प्ले करते हैं, नॉर्मल तो बंदा नॉर्मल रहता है। तो आप जिस तरह के वो एबनॉर्मल वाले करते हैं तो आप ये कैसे कर लेते हैं? आपके अंदर ही कुछ है कोई एबनॉर्मल बच्चा है? यार वो एक कैरेक्टर जब आप पढ़ते हैं ना कागज़ के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली अंदर जो आपका मैकेनिज्म है वो उसको डेवलप करना शुरू हो जाता है, और फिर उसके अंदर जो जो सब्सटेंशियल चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो आप उसमें मैकेनिज्म ऐड करते हैं,
और उसमें कुछ उसकी फिजिकल चाल ढाल हो, बोलने का अंदाज हो, बातचीत करने का तरीका हो, या डायलॉग डिलीवरी का तरीका हो, कोई कैची वर्ड एंड फ्रेज हो, अब वो मैकेनिज्म ऐड कर तो वो एक कैरेक्टर बन जाता है और आप वो परफॉर्म करते हैं। तो ओके ठीक है, मुझे वैसे समझ कुछ नहीं आया, मतलब आप मेहनत करते हैं उसके ऊपर कागज पढ़ने के बाद कि अच्छा यार इसमें ये करेंगे वो करेंगे। वैसे ना मैंने एक दफ़ा एक ड्रामा देखा था, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, रांझा रांझा करते, उसके अंदर इमरान अशरफ जो रोल कर रहे थे ना, मैं सोच रहा था वो अगर रोल आप करते तो आपका क्या ख्याल है, वो रोल आपको सूट करते या वो ड्रामा आपकी वजह से फ्लॉप हो जाता? नहीं 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 नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो जो उसने इमरान अशरफ ने जो उसमें किया है वो आई डाउट कि कोई और एक्टर जो है वो उस तरह का कर सकता। आप भी तो उस तरह का रोल कर सकता था रिटायर्ड मे बी, शायद अपनी किसी और डायमेंशन का मैं करता उसका आई डोंट नो कुछ और रिजल्ट आता, लेकिन फिल वक्त जो उसने किया और जो उसकी परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट आया वो मेरा ख्याल उससे उससे बेहतर शायद कोई ना कर सकता। नहीं कर सकता आई थिंक। कौन सा आपका ऐसा कोई ड्रामा था ठीक है जिससे आपकी पहचान बनते बनते रह गई? यार नहीं याद ऐसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि आपको अपने ऐसा ड्रामे तो नहीं याद है? नहीं ऐसे अब पॉइंट नहीं याद आ रहा कि पहचान बनते बनते जहाँ से रह गई, मैं वो पॉइंट नहीं याद आ रहा क्योंकि यार ये फिल्म जो है ना इससे मुझे उम्मीद है कि इससे जो है ना मुझे जरा ना पहचान वाली बनेगी। हाँ इसी मैं करीब पहुँच गया वाला चक्कर। अच्छा जैसे मैंने सुना है ठीक है, हो सकता है अब वाई के इसके डायलॉग्स आपने लिखे? हाँ यार बड़ी मेहनत से लिखे, खुद लिखे? हाँ सामने बैठ के, छः लोगों के सामने बैठ के हाथों से। अकेले लिखे हैं या फिर कोई हेल्प करता था? डायरेक्टर जो है उनकी बड़ी सपोर्ट थी यासर नवाज़ की, और साथ पूरी टीम बैठती थी, दानिश ज्वाइन करता था मीटिंग, नाम बस मेरा आ गया कि चलो डायलॉग अहमद हसन ने लिख दिया, अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये छोटी छोटी पूल इन कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि एडीज़ की तरफ से भी आ सकती है। वैसे जिस तरह आप सबको बता रहे हैं कि आपने डायलॉग लिखे, मेरा एक छोटा ना बरादराना मशवरा ये है कि अभी ना बताएं ठीक है, फिल्म को रिलीज होने थे रिस्पॉन्स देख ले फिर आप बताएं कि ये ना के लोग ये तूने लिखा है ऐसे हो सकता है ना, ये शायद ना करे लेकिन वैसे हो सकता है। हाँ ना सेफर साइड। हाँ हाँ तो हम कह देंगे क्या बड़े अच्छे डायलॉग्स हैं, तो फिल्म देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये किसने लिखे। यस 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 ऐसे कर लो। फिर आप बता सकते हैं हाँ ये मैंने लिखे, फिर हम रोक रोक के बताएंगे ना, फिर आप अगलों पे भी ना रहे उनका ना मैंने अकेले लिखे, फिर आपने ये कहा तन्हाई में लिखे। हाँ डायरेक्टर तो एंड फजूल सा आदमी था, उसको तो पता ही नहीं है ना मैंने ही लिखा। ऐसे बिल्कुल। हाँ हाँ मैंने एक चीज़ नोट की है ठीक है, स्टोरी लिखी थी दानिश ने ठीक है, डायलॉग लिखे आपने ठीक है, स्क्रीन प्ले लिखा यासिन ने ठीक है, तीनों ने मिलकर ना अपना रोल ज़्यादा बना दिया, बाकी बेचारों का छोटा छोटा रोल डाल दिया। यार देखो वो तो एक नेचुरल सी बात है कि आदमी के हाथ में जब कलम होता है तो आपके पास इख्तियार होता है कि आप किसका काम कितना बढ़ा दें, इसी काम के लिए जो डायरेक्टर होता है उसका सेल्फ चेक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो वहीं पर बहुत ऐसा हुआ है कि लिखते लिखते अनजाने में नहीं पता चलता और अपना कोई चीज़ मैं ज़्यादा लिख देता हूँ ना अपने फ्लो में, क्योंकि चीज़ आमद जब हो रही थी आपको मज़ा आता आप लिखते चले जाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टर जो है वो फिर फॉरन लाइन ड्रॉ करता है कि नहीं भी ये ज़्यादा होता है, यानी वो पेज फोकस से, आउट हो पेज से बाहर आ जाता होता है, तो हाँ, तो थोड़ा, 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 हाँ थोड़ा सा ना वो कमर पिंडे पेज के अंदर करो। हाँ पिंडे थे लिखते लिखते सर ये पढ़े पूरा कमीज उतार के सर ये देखे पीछे मैंने क्या लिखा आगे चला जाता। तो ये बस वो इस पर डायरेक्टर फिर रोकता है, पैरामीटर्स वो सेट करता है ठीक है, और जो किए भी उन्होंने उन्होंने सेट किए। डायरेक्टर कौन है? यासिर नवाज है। अच्छा यासिर नवाज की बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। हाँ तो ये है, तो वो जो पैरामीटर्स वो उन्होंने फिर सेट किए ठीक है, दो तीन दफा हम आउट हुए भी वो फिर वापस हम स्क्रिप्ट पे अच्छी तरह ले आए। आप इसलिए ऐसे तो नहीं आपने किया कि अपने लिए आपने डायलॉग सबसे अच्छे रखे हुए हैं, अच्छे वाले डायलॉग रखे, बाकी दानिश यासिर को आई मीन फजूल वाले डायलॉग्स नहीं, इसलिए क्योंकि जो बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं उन वो एक्टर्स भी चूँकि इस तरह के हैं कि वो हल्की चीज़ पर खुश भी नहीं हो सकते, वो खुद भी मजबूत पक्के सारे लगते हैं, वो नहीं होते तो उनको अब कच्ची चीज़ पढ़े तो कहते हैं कि ये क्या फजूल है, सही सही चीज़ है। तो उन सब ने अपना, इवन के डायलॉग्स के अलावा पूरी फिल्म में तमाम एक्टर्स ने, अच्छे अदाकारों ने सब ने अपना भी डायलॉग्स कंट्रीब्यूट किए, जो कि वो भी मुफ्त में मेरे तो खाते में आ जाएगा। क्यों बता रहे हैं कि वो डायलॉग आपने लिखे, इसका मतलब है सबने लिखे हैं? बेसिकली सबने लिखे, सबने लिखे, तो आपने तो ना लिखे हो, तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? थोड़ी सी इज्जत इज्जत ना किया करें, कह रहे अच्छा नहीं लगता, यकीन करेंगे इंटरव्यू 5 मिनट का रह जाए अगर ये आदमी सवाल ना पूछे, ये मुझे लिख के दे दे मैं 5 मिनट ये अंदर काला जादू करना शुरू होता है
अल्लाह जाने तवीज पढ़े तो की करना भाई, इधर क्या है इधर आपके मैं अच्छा, आपको पढ़ पढ़ के आपको सुना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। आप जब डायलॉग लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, ऐसे से लिखते हैं कैसे ऐसे ऐसे नहीं, जैसे एक पहले बहुत टाइप करते हैं या हाथ से लिखते हैं? मैं बहुत पहले खूबसूरत तरीके से कलम उठाता हूँ, कागज़ को गौर से देखता हूँ, फिर आमद का इंतजार करता हूँ और उसके बाद मैं फिर उसको अपनी लिखाई के अंदर लिखना शुरू कर देता हूँ और फिर डायरेक्टर को पेश कर देता हूँ बस। तो वो अप्रूव कर देता है? वो अगर अच्छा हो तो अप्रूव करते हैं, बुरा हो तो वो सीधा कर देते हैं। फिर वो भी चेंज करते होंगे, फिर जो एक्टर होगा वो भी चेंज करता हो, तो चेंज कर करके आपका तो क्रेडिट डायलॉग ना ना रहा फिर सुलू तौर पर। जब आप जब आप 50% डायलॉग राइटर लिखता है उसके बाद डायरेक्टर भी ऐड करता है, एक्टर अपना ऐड करता है। आपने तो कभी मुझे लगता है खलीलुर रहमान कमर के साथ काम नहीं किया, वो कहते हैं जैसा डायलॉग लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैसा ही बोलना है, ये उनका बड़ापन है। तो आप भी ऐसे बन जाए? मैं अब अभी इस उम्र में क्या जल्दी जल्दी खलीलुर रहमान कमर में आपको मतलब खलीलुर रहमान की उम्र बहुत कम है। खलीलुर रहमान नाम कमाने के लिए एक एक जिंदगी का नाम है। अच्छा अच्छा, आप एक जिंदगी चाहिए फिर आप जाके तो इतना एक नाम कमा सकते हैं एज राइटर। नहीं नहीं वो काम फिर भी नहीं देंगे आपको, फायदा कोई नहीं तारीफ करने का छोड़ बट ठीक है खलील अपना वो होता है ठीक है ठीक है अच्छा काम मेहनत कर ठीक है। जैसे आप ना एक्टिंग तो पार्ट टाइम करते होंगे, वैसे आपका क्या काम? वैसे वेल्डिंग करता हूँ मैं यार, फुल टाइम यही करता हूँ, मेरी जान अदाकारी ही के शोबे से मतलब है। पैसे नहीं अदाकार कमा सकता है ना, अदाकारी में पैसे नहीं है। मुझे यासिर नवाज को शक्ल से लग रहा था ये पैसे नहीं देते होंगे। यासिर नवाज की आपने दाढ़ी देखी है, वो शाम के टाइम गांव के गांव लूट लेते हैं, घोड़े पे जाते हैं, डाकू आदमी है बेसिकली, दिन को फिल्म लाता रात को गांव लूटता है ना। तो अदाकार जो है वो इसी तरह पैसे कमाते हैं, वरना शोबिज में पैसे नहीं है ना, पैशन है। आजकल इतने हालात खराब हो गए, कैसे चेक फंसता निकलता ही नहीं चेक फंसता चेक बनेगा तो फंसेगा ना, चेक में कभी साइन ही नहीं होते, चेक बुक से सफाई नहीं कभी निकाला जाता, तो फंसना उसने कहा से। तो ये हालात कब ठीक होंगे? मेरे ख्याल मैं भी बॉडी बना लो तो मैं भी अच्छा लिख लूंगा ये तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये कि वैसे आपकी सेहत माशा अच्छी है और आप और भी इसको अच्छा बना सकते हैं। चलो मैं फिल्म देखने के बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा मैं बॉडी बनाऊँ या नहीं। हाँ ठीक है अगर फिल्म के डायलॉग मुझे पसंद आए फिर मैं उसके बाद एक्सेप्टेबल हो गया फिर मैं उसके बाद बॉडी बनाकर ना बनियान पहन कर ना फिर आ करूँगा। ठीक है ठीक है जबरदस्त ठीक है, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी सर, आनी चाहिए भी नहीं क्योंकि शर्म तो आवाम को आनी है जिसने वो बालों वाली टांगे देखनी है, बालों वाले कंधे देखने है। मतलब ऐसी बनियान पहनी, मैंने अंडरवियर नहीं पहनना तो सर जी तो खाली बनियान पहन के भी बंदा सड़कों पर फिरता, पूरा सेट आपको मैं लेके दूंगा, नहीं, 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 आपको बनियान और अंडरवियर नहीं कोई मैं अपने पुरानो जंग ये लेके थोड़ा फर्क भी तो हो ना, नहीं मैं नहीं ऐसा करूं नहीं ऐसा हम आपको करवाएंगे। अच्छी बात ये अच्छा नहीं लगता हम आपको उस अंडरवियर में धो के उस अंडरवियर समेत हम तार पे लटका देंगे सुखाने के लिए। लगता टीवी या कहीं हमें आप नहीं अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता कैमरे में बंदा ना बनियान पहन कर आज अच्छा नहीं लगता। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है चले, थैंक यू आपके साथ मिलकर बहुत मजा आया, मैंने बहुत इंजॉय करने की कोशिश की मगर हो नहीं सका, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया और जो शेख कासिम है वो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द इंडस्ट्री। और आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? खुशी के आंसू, अच्छा दिल मिलाने के थोड़े से है ना, वो तो मैं 2 साल से मेहनत करके पाल रहा हूँ शर्ट पहनने के लिए, मैंने मेहनत शर्ट उतारे ना अभी क्यों कर मुझसे सलाम अलैकुम, तो मैं तो हाथ भी यहाँ से लेके आता हूँ ना लोगों को दिखाया थोड़ा रेटिंग आया थोड़ी सी रेटिंग तो नहीं पेटिंग जरूर आ जाएगी नहीं आपने बनाया तो मजा यार शर्म आती है अक्षर अच्छा इसमें शर्म आती है फिल्म में देखिएगा फिल्म में आपके भाई ने शर्ट उतारी है वो जबरदस्त अब तो फिल्म कुछ लोग लाजमी देखेंगे कुछ लोग उस तरह के शर्ट उतारने की खातिर ही देख लेंगे अली सलीम टाइप लोग नहीं भाई लाजमी देखेंगे देख लो जिसका दिल करता है वो देख ले जिस इंटेंशन से उसका दिल करता है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल आई होप आपकी फिल्म बहुत हिट हो इंशाल्लाह। ठीक है आई होप ये फिल्म हिट हो फिर आप फिल्म में और भी लिखें इंशाल्लाह, चाहे आप लिखे ना और लोग लिखे मगर आप कह सकते हैं चाहे आप अपना नाम लिखवा लें। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली इंशाल्लाह चलें मुलाकात होगी दोबारा। थैंक यू थैंक यू।